सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BGMI। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ GFX टूल्स बताने वाला हूँ जो कि भाई सबसे बेस्ट GFX टूल है। मतलब गाइज, आपको प्ले स्टोर पर ऐसे तो काफी सारे GFX टूल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गाइज जो 3 GFX टूल मैं आपको बताने वाला हूँ ये भाई सबसे बेस्ट GFX टूल है अभी तक के। और भाई मैं जो भी GFX टूल बताऊंगा आपको, ये PUBG Mobile KR, PUBG Mobile VN वर्जन या फिर BGMI या PUBG Mobile New State, भाई ये सभी के लिए सपोर्टेड है। मतलब सारे वर्जन में वर्क करता है ये। और गाइज, अगर आपके पास भी एक लो एंड डिवाइस है या फिर मिड एंड डिवाइस है और आपके डिवाइस पे ज्यादा हाई ग्राफिक सपोर्ट नहीं करते, तो भाई इन GFX का यूज करके आप 90 FPS तक इनेबल कर सकते हो अपने डिवाइस पे, और भाई आपके ग्राफिक्स भी काफी स्मूथ हो जाएंगे इनको यूज कर लेने के बाद। और गाइस, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये भाई मैं आपको फुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, तो भाई वीडियो पे एंड तक बने रहना, और गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को। तो चलो भाई, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो कर लेते स्टार्ट। और हाँ गाइस, अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को भी लाइक कर देना। सो लेट्स गो गाइस। तो भाई अभी मैं आपको फटाफट से तीनों GFX के नाम वगैरह बता देता हूँ, और भाई आपको GFX के नाम के साथ साथ उनकी सेटिंग्स भी बताने वाला हूँ जिसको आपको आपके फ़ोन के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना। तो भाई सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है BGMI GFX टूल, जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। और भाई सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे GFX देखने को मिल जाएंगे, लेकिन भाई आपको यहाँ पे जो चौथा GFX दिख रहा होगा शायद, हाँ 4 GFX ऑरेंज कलर का जिसका लोगो है, इस पर आपको टैप करना और यहाँ पे आपको इसको फटाक से इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको ओपन करना पड़ेगा। तो भाई ओपन करने से पहले, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, तो भाई प्रूफ आप यहाँ पे इसके रिव्यू वगैरह पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे लोगों ने मतलब 4 to 5 star की रेटिंग दी हुई है, तो भाई GFX मतलब काफ़ी अच्छा है, आप एक बार ट्राई करके देखना इसको। और मैं वीडियो के एंड में तो ऐसे भी आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट कौन सा है, तो भाई आप इसको फटाफट ओपन कर लेना वहाँ से। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर में सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आप उस पर टैप कर देना। और सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक नॉर्मल बूस्ट और गेम बूस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप थर्ड पे, हाँ तो यहाँ पे आपको इसको गेम बूस्ट पे कर देना, नॉर्मल बूस्ट से हटा के गेम बूस्ट पे डाल देना इसको, और उसके बाद आपको फिर बैक आ जाना है। उसके बाद गाइज आपको नीचे जो Level 3 का हेलमेट दिख रहा है ऑरेंज कलर का, इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप कर लेने के बाद आपको स्टोरेज परमिशन पे अलाउ कर देना, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का वेट करना है, और वेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा होगा वर्जन का ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको अपना वर्जन सेलेक्ट कर लेना। अगर आप BGMI खेल रहे हो तो BGMI सेलेक्ट कर लेना, बाकी अगर इसके अलावा अदर कोई वर्जन खेल रहे हो तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। और वर्जन सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा रेजोल्यूशन का ऑप्शन, तो इसको आप डिफॉल्ट पे ही रहने देना। और इसके बाद फिर आपको नीचे जो ग्राफिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप स्मूथ भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप बैलेंस रखना, थोड़ा सही रहता है बैलेंस्ड। उसके बाद गाइज आपको पोटैटो ग्राफिक्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो, लेकिन गाइज उससे ग्राफिक्स आपके थोड़े ब्लर हो जाएंगे। अब भाई आप फ्रेम रेट में 60 FPS सेलेक्ट करना, क्योंकि गाइज 90 FPS सारे फोन पे वर्क नहीं करता है। अब भाई उसके नीचे आपको शैडो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो शैडो को आपको डिफॉल्ट पे रख देना, और ऑडियो क्वालिटी को आप अल्ट्रा पे डाल देना, और अल्ट्रा पे डालने के बाद एंटी एनालाइजिंग को डिफॉल्ट पे ही छोड़ देना। बस गाइज इतना कर लेने के बाद आपको टैप टू अप्लाई पे टैप कर देना, इससे आपका GFX अप्लाई हो जाएगा, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है इस पे। तो भाई ये तो हो गया अपना पहला GFX। अब भाई हम लोग अपने सेकंड GFX के बारे में बात कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है BGMI GFX टूल, जैसा कि आपने पहले सर्च किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको 6th ऑप्शन पे एक GFX देखने को मिलेगा, GFX टूल फॉर BGMI एंड New State, इस पर आपको टैप करना है। उस पर टैप कर लेने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको उसके रिव्यू सेक्शन में आ जाना, और यहाँ पे आपको रिव्यूज एक बार चेक कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबने 4 to 5 star की रेटिंग दी हुई है, तो भाई काफ़ी अच्छा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना, और यहाँ पे आपको स्टोरेज परमिशन अलाउ कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट कर लेना अपना। तो जैसा कि मैं BGMI खेलता हूँ, तो भाई मैं BGMI सेलेक्ट करूँगा, आप कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप खेल रहे हो। और उतना टैप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, इसके बाद आपको ऊपर रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप करना, और इसको आपको डिफॉल्ट पे छोड़ देना, मतलब इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। इसके बाद आपको FPS का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप करना और 60 FPS सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहो तो 90 FPS भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन गाइस फिर वही बात है कि 90 FPS सारे डिवाइस पे वर्क नहीं करती, ये भाई कुछ ही डिवाइस पे वर्क करेगी। तो भाई उसके बाद आपको ऑडियो क्वालिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसको आपको अल्ट्रा पे सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर आपको ग्राफिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप टैप करना, और उसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है थर्ड वाले ऑप्शन पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे शैडोज का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसको भाई आप डिफॉल्ट पे ही छोड़ देना, और उसके बाद एंटी एनालाइजिंग का भी जो ऑप्शन है इसको भी आप डिफॉल्ट पे ही छोड़ देना, इसमें कोई भी छेड़खानी मत करना। इसके नीचे आपको एक लैग फिक्सर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आप डिफॉल्ट पे छोड़ देना, और अगर गाइस आपके डिवाइस पे 4GB रैम होगा तब आप इसको 4GB रैम पे सेलेक्ट कर लेना। बस गाइस इतना कर लेने के बाद आपको अनलॉक पे टैप करना, और जैसे ही आप अनलॉक पे टैप करोगे आपके सामने रन गेम का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे ही आप रन गेम पे टैप करोगे तो आपका भाई GFX वर्क करने लग जाएगा। सो गाइस ये तो था अपना सेकंड GFX।
और गाइस मैं जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में अगर कुछ गलत प्रोनाउंस कर दो तो उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ गलत प्रोनाउंस हो जाता है। अभी जैसा कि मैं जल्दी जल्दी को गलती गलती बोल रहा था, तो उसके लिए भाई सॉरी यार। सो गाइस मैं फटाफट से आपको थर्ड GFX भी बता देता हूँ, और गाइस ये अपना लास्ट GFX होने वाला है। इसके बाद मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और आपको कौन सा यूज करना चाहिए। और भाई ये वाला जो मैं GFX बताने वाला हूँ आपको, ये सिर्फ पबजी मोबाइल के लिए, अदर किसी वर्जन के लिए नहीं है। सो गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना, और प्ले स्टोर ओपन कर लेने के बाद आपको सर्च बार पर टैप करना, और वहाँ पे आपको सर्च करना है फ्लैश टॉक, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर आपके सामने कुछ इस टाइप की एक ऐप अपीयर हो जाएगी। और गाइस जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं हर GFX के साथ फुल प्रूफ देने वाला हूँ, तो भाई आप इसका भी रिव्यू चेक कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाके। और आपको भाई काफ़ी सही रिव्यू दिया भाई, जितने भी बंदों ने यूज़ किया भाई सब ने सही रिव्यू दिया इसके बारे में। सो गाइस आपको इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप की स्क्रीन अपीयर होगी आपके सामने, और कुछ ऐड आएगा तो उसके ऊपर से आप कंटिन्यू कर लेना। और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टमाइज़ का, इस पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कस्टमाइज एडवांस सेटिंग का, फिर आपको उस पर टैप करना है। उसके बाद आपको सबसे टॉप में रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसको आपको इनेबल कर लेना है। और भाई इसको बाय डिफॉल्ट ही छोड़ देना, मतलब 960x540 पे ही छोड़ देना है इसको। उसके बाद आपको ग्राफिक्स में बैलेंस सेलेक्ट कर लेना है, और FPS में आप 60 FPS सेलेक्ट कर लेना, और एंटी एनालाइजिंग को डिसेबल ही छोड़ देना। उसके बाद आपको स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको कलरफुल पे सेलेक्ट कर लेना है, और उसके नीचे फिर रेंडरिंग क्वालिटी को आप मीडियम कर लेना, और शेडो को भाई डिसेबल कर देना, क्योंकि गाइस शेडो के कारण गेम वगैरह लैग करती है, तो भाई इसको डिसेबल छोड़ देना। उसके बाद उसके नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मूविंग शेडो, टेक्सचर क्वालिटी, इफेक्ट क्वालिटी, और इम्प्रूवमेंट फॉर इफेक्ट्स, और उसके बाद नीचे होगा एक ऑब्जेक्ट LOD डिस्टेंस, फॉलेज और LOD डिस्टेंस, इन सभी को भाई आपको डिफॉल्ट पे ही छोड़ देना, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। उसके बाद आपको उसके नीचे एक दिख रहा होगा कलर फॉर्मेट का ऑप्शन, इस पर आपको इनेबल कर इसको आपको 64 bit पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद उसके नीचे आपको दिख रहा होगा डिटेल मोड, इसको आपको मीडियम पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद उसके भी नीचे एक होगा भाई, बहुत नीचे तक है यार, मतलब उसके नीचे आपको एक और दिख रहा होगा लाइट इफेक्ट का, इसको भी आप मीडियम पर सेलेक्ट कर लेना। और भाई फाइनली लास्ट सेटिंग है ये GPU ऑप्टिमाइजेशन, इसको आपको इनेबल कर लेना है, इससे आपकी गेम सही हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो भाई आपका GFX अब एकदम तैयार हो चुका है, बस आपको यहाँ से अब गेम लॉन्च करना होगा अपना। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था भाई, ये सिर्फ PUBG मोबाइल के लिए, और जो मैंने बाकी दो बताए थे उससे आप और अदर वर्जन्स भी चला सकते हो। फर्स्ट वाले से तो भाई आप सारे वर्जन्स यूज़ कर सकते हो जो भी हो आपके पास। तो भाई अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ अपना। सो गाइज अगर आप BGMI खेलते हो तो आपके लिए जो मैंने फर्स्ट वाला GFX बताया था वो सबसे बेस्ट है भाई, उसी को आप यूज़ करना। और गाइज अगर आप PUBG मोबाइल खेलते हो तो भाई आपके लिए थर्ड वाला GFX सबसे बेस्ट है। सेकंड वाला भी सही है, लेकिन भाई सबसे मतलब सेकंड वाले से अच्छे हैं भाई ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले जो मैंने बताए। तो भाई आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और आपको क्या करना है वो तो मैंने बता ही दिया लास्ट में कि आपको कौन सा GFX यूज़ करना चाहिए। और भाई अगर आपको इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है गेम के अंदर, तो भाई आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और भाई आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं उधर भी एक्टिव रहता हूँ, आपको उधर भी मैं बता दूंगा। और भाई इंस्टाग्राम पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन के मुकाबले। सो गाइस आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो चलो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।